हेलो गाइस, मैं हूँ प्रकाश और आज हम आपके क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 मैटर 6 को फर्दर प्रोसीड करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 मैटर 6 का इंट्रो देखा था, जिसमें कि हमने देखा था मैट्रिक्स होता क्या है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सो आज हम देखेंगे मैट्रिक्स का टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे इस वीडियो में। और आपसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, दैट इज़ अगर आपने मेरे इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने बेल आइकन को प्रेस करके इसे ऑल पे सेलेक्ट कर लें प्लीज़। और अगर आपने इसे आप अगर इस मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे नई वीडियो जितने भी आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यूट्यूब का ही एल्गोरिथम होता है, जिसने बेल आइकन को प्रेस कर लिया होता है उसके पास ही ये अपने क्रिएटर्स के वीडियो को नोटिफिकेशन को सेंड करता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ नाम से भी याद रख सकते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस होते हैं क्या क्या है, मतलब फंक्शन क्या क्या होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के। आपको सिर्फ नाम याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा पहला टाइप है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स मतलब जिसमें ओनली वन रो हो, नाम से पता लग रहा है रॉ मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। आपको बस नाम याद रखना है, अपने आप प्रॉपर्टी आपको याद हो जाएगी क्या प्रॉपर्टी कौन से मैट्रिक्स की होती है। तो ये रो मैट्रिक्स है, इसका सिर्फ वन रो होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें एलिमेंट है वन, एक ही एलिमेंट है जो भी है वन, वन इंटू वन का फंक्शन है ये, ठीक है। इसमें सिर्फ वन एलिमेंट है, मतलब इसमें रो एक ही है। मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें रो एक ही है, कॉलम भी आपको एक ही दिख रहा है, क्योंकि ये देखो ये रो रहा ये कॉलम है, ठीक है। आपको रो और कॉलम दोनों एक एक दिख रहे हैं, मतलब रो आपको एक दिख रहा है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वन बाय वन का मैट्रिक्स है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स। सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा, सेकेंड है हमारा वन और टू एलिमेंट है इसके, मतलब रो इसमें भी देखो आप एक ही रो मिलेगा, कॉलम आपको दो मिलेंगे। मैंने कहा रो एक ही होगा लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। ऐसे ये वाला एग्जांपल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें देखिए ये एक मतलब तीन है, पाँच है, छः है, सात है, ये इसके एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें रो आपको एक ही दिखेगा। ये रो है आपको एक ही दिखेगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो रो होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं हम एक ही रो मिल रहा है और कॉलम देख रहे हैं वर्टिकल वाला, एक दो तीन चार, हमें चार कॉलम मिल रहे हैं। तो वन बाई फोर का होता है मैट्रिक्स ये वाला। वन इंटू फोर मैंने ऐसे लिखा क्योंकि पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, रो इंटू कॉलम, रो बाई कॉलम, ठीक है। तो वन बाई फोर का मैट्रिक्स है, आपने देखा ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ एक ही रो होना चाहिए, तो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। हर एक मैट्रिक्स के अपने अपने जनरल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो इसका देख लेते हैं। इसका क्या होगा, सिंपल है, ए आई जे मतलब ये मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, और वन इंटू एन का, वन बाई एन का इसका ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगा और कॉलम एन हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं मतलब, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स आप नाम से देख रहे हैं उसमें रो मैट्रिक्स था, ये कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स इसमें सिर्फ एक कॉलम हो और रॉ कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो तीन इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये इसके रो हैं, ये इसके रो हैं, ये कॉलम है। कॉलम आपको इसमें एक ही मिलेगा, रो एक दो तीन कितने भी हो सकते हैं रो, कॉलम लेकिन एक ही होगा। ये वाला हमने फर्स्ट देखा। ये सेकंड देख लेते हैं, वन और टू इसके एलिमेंट्स हैं, मतलब कॉलम इसमें एक ही दिख रहा है और रो इसमें क्या है दो, इसका ऑर्डर है टू टू बाई वन का, इसका ऑर्डर है थ्री बाई वन का, क्योंकि इसमें तीन रो हैं और कॉलम एक ही है, ठीक है। और ये वाला देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, दैट इज़ फोर सिक्स सेवन, फोर सिक्स सेवन इसके एलिमेंट्स हैं और इसका रो ऑर्डर क्या है फोर बाई वन का, क्योंकि क्यों ऑर्डर है इसका फोर बाई वन का, क्योंकि इसके फोर रोज हैं और कॉलम एक ही है, ठीक है। अब देखते हैं इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक और है इसमें एग्जाम्पल है, वन इसका एलिमेंट है, इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है और ये वन बाय वन का ऑर्डर दे रहा है, तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स तो है ही लेकिन ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि हमने देखा है इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम भी है, ठीक है। ये हमने ऊपर रो मैट्रिक्स में भी देखा था, ठीक। जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। हर एक मैट्रिक्स के अलग अलग जनरल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो इसका देख लेते हैं। इसका क्या होता है, ये मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, ए आई जे एम इंटू एन, एम इंटू वन मतलब रो कितने भी हो सकते हैं कॉलम लेकिन एक ही होगा, रो एम एथ हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम एक ही होगा। वहाँ पे देखा था हमने वन इंटू एन था, क्योंकि वहाँ पे रो कॉलम क्या कहते हैं, वहाँ पे रो एक ही था, कॉलम कॉलम कितने भी थे, यहाँ पे रो इन्फिनिट हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है और कॉलम एक ही होगा, उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। समझ गए होंगे। अब देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमने पहले देखा है रो मैट्रिक्स, फिर सेकंड देखा है कॉलम मैट्रिक्स, और थर्ड देख रहे हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, उसे कहते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपने रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, रेक्टेंगल उसे बोलते हैं ना जहाँ पे लेंथ और ब्रेथ जो हो अलग अलग हो, मतलब इक्वल ना हो। ऐसे इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के
अलग होगा, मतलब ये नंबर ऑफ, देखो रोज कितने हैं इसमें, एक दो, इसमें दो रो है, इसमें कॉलम कितने हैं, एक दो और तीन, इसमें तीन कॉलम है, रो दो है, तो 2x3 का मैट्रिक्स हो गया। तो इसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने क्यों कहा, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग है, मतलब डिफरेंट है। ठीक है, तो ये 2 है, ये 3 है, डिफरेंट है, तो इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो, ये रो एक ही है और कॉलम देखो इसमें दो है, ये भी 1x2 का मैट्रिक्स है। अगर ये 1x1 होता तो कुछ और कहते हैं हम इसे, लेकिन ये अब भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा मैट्रिक्स और दिख रहा है आपको इसमें, हमें दिख रहा है ये रो मैट्रिक्स भी है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन ये रो मैट्रिक्स भी है, अगर हम पूछना चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, सबका सेम ही होता है, थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, लेकिन इसमें देख लेते हैं, ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ए आई जे एम इंटू एन, मतलब नंबर ऑफ रो इन नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, हमने पहले देखा था लास्ट टाइम वीडियो में, वेयर एम इज़ नॉट इक्वल टू एन, अगर जहाँ पे एम और इज नॉट इक्वल टू एन होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन अब देखते हैं फोर्थ टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जहाँ पे नंबर ऑफ रो इज ऑलवेज भी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा उसे कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। जहाँ देखो जहाँ पे एम इज इक्वल टू एन होगा, मतलब यहाँ पे मैं एम और एन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा उसे कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने देखा था रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में हमें दोनों चीज़ मिला था, वह एक एलिमेंट है वन वन का मैट्रिक्स है, मतलब ये एक एलिमेंट का मैट्रिक्स है, तो ये 1x1 का ऑर्डर है इसका, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रो है, एक ही कॉलम है और 1x1 का मैट्रिक्स है, तो इसलिए हमने इसे कहा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, 1 रो है 1 कॉलम है, इसलिए हमने इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा। सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा और समझने के लिए अच्छे से, इसमें क्या है, इसमें आपको 2 रो दिखेंगे और 2 कॉलम दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 रो है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो रो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसे हमने इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स कहा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है इसमें, नंबर ऑफ रो मतलब एम कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं और एन कितने हैं, 2 ही हैं, इसलिए हमने इसे कहा स्क्वायर मैट्रिक्स। डन, और थोड़ा समझना है अच्छे से, तो ये देख लेते हैं, इसमें देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 हैं। ठीक, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। डन, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ में है, एक प्रॉपर्टी और है, ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज ऑनली द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। हम ये तो क्या करते आए हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। डन, अब हम यहाँ लिखेंगे अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे कि ये वन एलिमेंट का मैट्रिक्स है, अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कराना है तो यहाँ पे सिर्फ हम 1 लिख देंगे, तो चेकर जो होगा हमारी कॉपी चेकिंग करने वाला वो समझ जाएगा इस बच्चे ने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डन, अब देख लेते हैं हम इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। डन, जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारा इसका है ए आई जे, मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, एम इंटू एन मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, हमने देखा पहले ही प्रॉपर्टी में देखा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, बस हमें वही रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। अब हमने अभी तक यहाँ पे देख लिया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं, रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और होता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हमने 4 टाइप के मैट्रिक्स देख लिए। अब देखते हैं हम, अब हमने मैट्रिक्स के टाइप देखे थे अभी तक, अब हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टाइप होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप देख रहे हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, उसके टाइप्स कितने होते हैं ये देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे तो उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब देख लेते हैं पहले डायगोनल एलिमेंट होते क्या है, व्हाट इज डायगोनल एलिमेंट। ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, हम देख लेते हैं ये होता क्या डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट वो होता है जहाँ पे आई और इज इक्वल टू जे हो, मतलब ए आई जे हम लिखते हैं ना, जैसे ये ए आई जे है, ठीक है, क्या है ये ए आई जे का मतलब, ये पहला रो है और पहला कॉलम है, मतलब ए वन वन पहला रो है, सेकंड कॉलम मतलब ए वन टू, पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, मतलब आई रो होता है जे कॉलम होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, दैट इट मीन अगर यहाँ पे ए आई जे है, तो यहाँ पे अगर ए मतलब आई भी वन हो और जे भी वन हो, मतलब आई और जे दोनों सेम होने चाहिए, तो उसे कहेंगे हम डायगोनल एलिमेंट। जैसे यहाँ पे देखो ये ए वन वन है तो ये डायगोनल एलिमेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो ए वन टू है, मतलब आई अलग है जे अलग है, तो ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है हमारा,
ये भी नहीं, क्योंकि ए टू वन है और ये ए टू टू है, तो ये दोनों डायगनल एलिमेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे आई और जे दोनों सेम हैं, इसे कहते हैं डायगनल एलिमेंट। जहाँ पे डायगनल एलिमेंट नन जीरो हो, मतलब जीरो ना हो, जीरो के अलावा कुछ भी हो, उसे कहते हैं डायगनल एलिमेंट, ठीक है, मतलब डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। जहाँ पे डायगनल एलिमेंट नन जीरो हो और रेस्ट देम जितने भी एलिमेंट हो वो जीरो हो, तो उसे कहते हैं हम डायगनल एलिमेंट। डन, इसका एग्जांपल और देख लेते हैं एक्स्ट्रा, तो समझ ज़्यादा अच्छे से समझ में आया हमें। देखो आपको ये डायगनल एलिमेंट दिख रहे होंगे, आप देख लेना, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे जे, यहाँ पे जे, सब सेम मिलेंगे आपको, मतलब ए आर ए वन वन है यहाँ पे, ए टू टू है, ए थ्री थ्री, आप चेक कर लेना। तो ये जो नन डायगनल एलिमेंट हैं, मतलब डायगनल एलिमेंट जो है नन जीरो हैं, और जितने भी रेस्ट नन डायगनल एलिमेंट हैं ये जीरो हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम डायगनल मैट्रिक्स। डन, जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका, ए आई जे मतलब कोई मैट्रिक्स हो सकता है। डन, मैट्रिक्स को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो ये मैंने बंद कर दिया। ये ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो वेयर वेयर आई इज इक्वल टू जे, जहाँ पे आई और जे दोनों इक्वल हो, मतलब ये कहना चाह रहा है जहाँ पे डायगनल एलिमेंट हो वो नन जीरो एलिमेंट होगा, जो डायगनल एलिमेंट है वो नन जीरो है। यहाँ पे देख रहे हो आप, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, जितने भी नन डायगनल एलिमेंट हैं वो जीरो नहीं होंगे। और जो है ए आई जे, जहाँ पे When, where, I is not equal to J, ठीक है, जहाँ पे I और J दोनों सेम ना हो, मतलब नॉन डायगनल एलिमेंट जो भी हैं वो जीरो के बराबर होंगे, वो हमेशा जीरो ही होंगे। डन, अब देख लेते हैं इसका सेकंड टाइप क्या होता है। सेकंड टाइप इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगनल मैट्रिक्स, एक डायगनल मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। इन विच ऑल द डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इन विच ऑल द डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जहाँ पे जितने भी डायगनल एलिमेंट हैं, जितने भी डायगनल एलिमेंट हैं, हमने देखा डायगनल एलिमेंट होता क्या है, जहाँ पे आई और जे दोनों सेम होते हैं, ठीक है, वेयर ऑल द डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द सेम स्केलर के, मतलब जो मतलब के मतलब कोई भी एक एलिमेंट मान लो वन है, टू है, कुछ भी मान लो आपको, मतलब कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ के मतलब कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने डायगनल एलिमेंट वन माना है, पहला एलिमेंट अगर वन माना है तो सेकंड भी वन होना चाहिए, थर्ड भी वन होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या सारी प्रॉपर्टी तो डायगनल एलिमेंट की तरह है, लेकिन डायगनल एलिमेंट हमने यहाँ पे देखा था, डायगनल एलिमेंट यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट हो सकते हैं, वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ लेकिन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा डायगनल एलिमेंट सब सेम होंगे, जैसे ये वन है तो ये भी वन होना चाहिए, थर्ड अगर होता तो वो भी वन ही होता। जैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये थ्री है तो तीनों आपको तीन ही मिलेंगे, जितने भी डायगनल एलिमेंट है वो नन जीरो मिलेंगे, लेकिन वो सेम स्केलर के मिलेंगे, ठीक है, तीनों मिलेंगे सेम मिलेंगे आपको, ठीक है। जो थ्री थ्री है उसे कहते हैं डायगनल स्केलर स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जी आर, ठीक है। ए आई जे इज इक्वल टू के, जहाँ पे मतलब जहाँ पे जितने भी नॉन डायगनल एलिमेंट हैं, जो भी तक मैंने बताया है आपको, वही मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है, रिप्रेजेंटेशन किया है मैंने उसी का। यहाँ पे ए आई जे मतलब जितने भी नॉन डायगनल एलिमेंट हैं, ठीक है, मतलब जितने भी डायगनल एलिमेंट हैं वो एक कॉन्स्टेंट के बराबर होंगे, चाहे वो वन हो, टू हो, कुछ भी हो, ठीक है। मतलब आई जे का मतलब है डायगनल एलिमेंट, ठीक है, जहाँ पे ए आई जे दोनों सेम होते हैं, ठीक। ए ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी एलिमेंट जब तब जीरो होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जितने भी नॉन डायगनल एलिमेंट हैं वो जीरो होंगे। अब देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का थर्ड टाइप, अभी हम देख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम इसलिए क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि इनके देखो ऑर्डर सबके सेम है, मतलब टू बाई टू का ऑर्डर है, मतलब रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, क्या कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने नहीं लिखा है थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी थ्री है, नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑल्सो देयर थ्री, डन। सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन डायगनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी हमने बता दिया इसे, ठीक है। आप देख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, डायगनल मैट्रिक्स भी होता है और स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने भी एलिमेंट होते हैं वो, मतलब डायगनल एलिमेंट तो सारे, मतलब एलिमेंट तो कितने भी हो सकते हैं। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पहले हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो नॉन डायगनल एलिमेंट होता है वो हमेशा वन होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितने भी डायगनल एलिमेंट होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितने भी डायगनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा वन होते हैं। मतलब डायगनल एलिमेंट आपको पता है क्या होते हैं, जहाँ पे आई इज इक्वल टू जे हो, ए आई जे, उसे कहते हैं हम डायगनल एलिमेंट, ठीक है। ये होता है डी आई, डायगनल एलिमेंट। डन,
तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि ये ए वन वन है और ये ए टू टू है, डन। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट है, ये वन है, हमेशा ये वन होंगे, चाहे वो टू बाई टू का मैट्रिक्स हो, टू बाई टू का मैट्रिक्स है या थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे ए वन है, ये वन है, ये वन है, लेकिन वन ही होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं नल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, फोर्थ टाइप है ये, ठीक है। हमने अभी तक हमने तीन टाइप देख लिए, ये फोर्थ टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। दैट इज नल मैट्रिक्स, मतलब इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ओ से, ठीक है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे कैपिटल ओ, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। नल मैट्रिक्स ऑल्सो अ जीरो मैट्रिक्स, इसे हम जीरो मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स होता क्या है। नल मैट्रिक्स मतलब जिसके एलिमेंट सारे जीरो हों, जितने भी एलिमेंट हो वो सब जीरो हो, ठीक है। मतलब ये स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप नहीं मानते हैं, ठीक है, इसे हम एक्स्ट्रा कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं। ये हमने अभी तक हमने देखा था चार टाइप के मैट्रिक्स देखे थे ना हमने, ये पांचवा टाइप है हमारा मैट्रिक्स का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप नहीं है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ये इसके जितने भी, ये टू बाई टू का मैट्रिक्स है, ये टू बाई थ्री का मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर दो रो है और तीन कॉलम है, डन। जिसके एलिमेंट जीरो हो उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। अभी हम देख लेते हैं हमने कितने टाइप के मैट्रिक्स देखे हैं। पहला हमने देखा था रो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, पहला देखा था हमने रो मैट्रिक्स क्या होता है। सेकंड देखा था हमने कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। थर्ड देखा है हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। फोर्थ हमने कौन सा देखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स देखा है, ठीक है। और फिफ्थ हमने अभी देखा है जस्ट नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। और हमने देखा है स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला टाइप होता है हमारा कौन सा होता है, कौन सा देखा था हमने, हमने देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला टाइप डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और सेकेंड टाइप हमने देखा है स्केलर मैट्रिक्स। मैं बता रहा हूँ मैं अभी तक कितने मैंने टाइप बता दिए आपको, ठीक है। और थर्ड हमने देखा है इसका, दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है।